सो है गाइज व्हाट्सएप एंड वेलकम बैक न्यू अनदर वीडियो। गाइज आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले कि किस तरीके से आप लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हो। अगर आप लोग भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट करना चाहते हो तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज अब सबसे पहले यहाँ पर इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे। इंस्टाग्राम ओपन हो चुका है, प्रोफाइल पे टैप करेंगे बॉटम पे, उसके बाद प्रोफाइल शो हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर टॉप पर आप लोग देख सकते हो टॉप राइट पे थ्री लाइंस, इन थ्री लाइंस पे टैप करना होगा। इन थ्री लाइंस पे टैप हो जाने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है पेज को। स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अकाउंट प्राइवेसी, सिंपली अकाउंट प्राइवेसी पे टैप करना होगा। अकाउंट प्राइवेसी पे टैप हो जाने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्राइवेट अकाउंट। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा इजी लग रहा होगा, उतना इजी है नहीं फिलहाल। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो है ये डिसेबल है, यहाँ पर ये सेटिंग देख सकते हो, इसे आप लोगों को इनेबल करना होगा। जैसे आप लोग टैप करोगे तो यहाँ पर ये पॉपअप शो हो जाएगा, बिजनेस अकाउंट कांट बी प्राइवेट। ओके, तो इसे हम लोगों को पहले जो है पर्सनल अकाउंट में स्विच करना होगा, तो ही ये जो है हमारा अकाउंट प्राइवेट हो पाएगा। ओके, अगर आप लोगों का बिजनेस अकाउंट इनेबल नहीं है तो आप लोगों का इजीली यहाँ से जो है प्राइवेट हो जाएगा। अगर आप लोगों का क्रिएटर टूल्स ऑन है तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन पॉपअप शो होगा। ओके, ओके पे टैप करते हैं एंड यहाँ से चलते हैं बैक। तो आप लोगों को अब करना क्या होगा मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स, सिंपली इसके ऊपर आप लोगों को टैप करना होगा। इसके ऊपर टैप हो जाने के बाद इस तरीके का यहाँ पर सेटिंग खुल के ओपन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना होगा, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग स्विच अकाउंट टाइप्स, स्विच अकाउंट टाइप्स पे टैप करेंगे। अब यहाँ पर एक पॉपअप नीचे बॉटम साइड पे शो होगा, यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखा है, स्विच टू बिजनेस अकाउंट एंड नीचे आप लोग देख सकते हो स्विच टू पर्सनल अकाउंट्स। आप लोगों को जब तक आप लोग पर्सनल अकाउंट में स्विच नहीं करोगे तब तक अकाउंट को जो है प्राइवेट नहीं कर सकते। स्विच टू पर्सनल अकाउंट पे टैप करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो और एक पॉपअप शो हो रहा है यहाँ पर रेड में, यहाँ पर स्विच टू पर्सनल अकाउंट फिर से यहाँ पर टैप कर देना होगा। ओके, अब यहाँ पर जो है हमारा अकाउंट जो है स्विच हो रहा है पर्सनल में यानी कि प्राइवेट में। तो यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा लोड ले रहा है तो वेट करते हैं। ओके, स्विच पर्सनल अकाउंट में स्विच हो चुका है। ओके, तो हम यहाँ पर फिर से अकाउंट प्राइवेसी पे जाएंगे, अकाउंट प्राइवेसी पे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस अकाउंट को जो है आप लोग अभी प्राइवेट कर सकते हो। प्राइवेट अकाउंट पे टैप करेंगे एंड यहाँ पर देख स्विच टू प्राइवेट पे यहाँ पर टैप कर देंगे एंड आपका जो है प्रोफाइल लॉक हो जाएगा, आपका जो है प्रोफाइल प्राइवेट हो जाएगा। यू नाउ प्राइवेट, अपडेट मोर प्राइवेसी सेटिंग्स, यहाँ पर और भी प्राइवेसी सेटिंग्स है, ये आप लोग रीड करके कर सकते हो। राइट, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से चलते हैं बैक, हमारा अकाउंट जो है प्राइवेट करना था प्राइवेट हो चुका है। स्क्रॉल करके देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग हमारा अकाउंट प्राइवेट हो चुका है। अब यहाँ से आप लोगों को दिखेगा नहीं, अगर कोई न्यू अकाउंट से आप लोग देखोगे किसी के भी अकाउंट से तो आप लोगों का अकाउंट जो है प्राइवेट दिखेगा यहाँ से तो, बट आप लोगों को नहीं दिख रहा है। ओके, सो गाइस इस तरीके से आप लोग जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉक कर सकते हो यानी कि प्राइवेट कर सकते हो। सो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यार। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आर्यन रॉक्स मिलता हूँ अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।